फरुखाबाद में पूर्व सपा विधायक के बेटे की गुंडई देखने को मिली। पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के बेटे पंचशील राजपूत ने पैसों के लेन देन के विवाद में दो सगे भाइयों को गोली मार दी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़पुर का है, जहां दो भाई श्रीनिवास और मानव अपने घर पर ही एसआर बिल्डिंग की दुकान पर बैठे थे। आरोप है कि इस दौरान पूर्व विधायक का दबंग बेटा अपने साथियों के साथ आया और दोनों भाइयों पर फायरिंग कर फरार हो गया। वहीं गोलीबारी में घायल हुए दोनों भाइयों को आनन फानन में इलाज के लिए लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसको? ये कौन लोग हैं? ये फर्नीचर की दुकान है, उर्मिला राजपूत के लड़के पंची। फिर क्या हुआ? तो बस आए, फायर फाइटिंग कर दी, जान से मार देंगे। मेरी फैमिली मारे लोग थे। लोग कितने लोग? पांच लोग थे। धनराज राजपूत के संग में। तो किससे थे वो लोग? तो फायर आर कितने फायर किए होंगे? किसके किसके लगी है? तो आके अचानक मारने लगे? कोई पुरानी रंजिश भी है क्या? कोई लेन देन है क्या पुराना? वहीं शहर में सरेआम हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। फिलहाल पुलिस पूर्व विधायक के बेटे की तलाश में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में जांच के बाद क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।